ये सीनियर मैनेजर लेवल की गाड़ी है, उसमें मुझे थोड़ी ज्यादा चीप प्लास्टिक की फील नजर आई थी, ऐसा जैसे गुफाओं में नहीं होता छत नीची हो जाती है। एक चीज जो मेरे को ज्यादा कन्वीनियंट लगती है, और यहाँ पे आपको एक क्रेन बनी हुई नजर आ रही है। अच्छा, गियर के अंदर ये देख रहे हो, ये इस तरह प्लास्टिक होता है, बट वो एक चीपनेस सी फील होती है। एंड ये जो इस तरह से प्रोट्रूजन निकल रही है, ये मुझे थोड़ा ज्यादा नैरो लग रहा है, समथिंग दैट डज नॉट रियली जेल वेल विद द क्लास ऑफ द कार। आप खुद देखो, एक अच्छी चीज उन्होंने मालूम है क्या करी है, ये काफी गाड़ियों में दिक्कत है, तो कई बार कार कंपनीज क्लेम करती है, मेरे को लग ही रहा था कि ये दिक्कत होगी। आर्मरेस्ट जो है, हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ किया सेल्टोस का इंटीरियर वॉक अराउंड। नहीं, इंटीरियर में वॉक तो कर नहीं सकते, इंटीरियर में तो बैठना पड़ेगा, इंटीरियर का रिव्यू। चलो लेट्स कीप इट सिंपल। एंड प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अभी 5 बज गए और बहुत जल्दी अंधेरा कायम होने वाला है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इंटीरियर वॉक अराउंड। सो जस्ट इन केस आपने इसकी एक्सटीरियर वॉक अराउंड वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आई बटन पे इसका लिंक लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। दिस इज दी HTX वेरियंट, इसमें IVT ट्रांसमिशन है और ये 1.5 लीटर पेट्रोल है। अच्छा, HTX जो है, दिस इज दी बीच वाला वेरिएंट, ना तो ये नीचे वाला है ना ही ऊपर वाला है, जैसे वो अपर मिडिल मैनेजमेंट नहीं होती कॉर्पोरेट कंपनीज में, तो ये उस लेवल पे है थोड़ा सा, कि ना तो ये CEO वाइस प्रेसिडेंट है और ना ही ये बेचारा ट्रेनी अप्रेंटिस है, ये सीनियर मैनेजर लेवल की गाड़ी है। सो जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे, यू विल बी ग्रीटेड विद दिस मेटालिक सेल्टोस का स्कफ प्लेट। काफी अच्छी फिनिश है, दरवाजा भी थोड़ा सा प्रीमियम नजर आएगा। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज है थोड़ा सा, मतलब उतना भी सॉफ्ट नहीं है, लेकिन इस सेगमेंट की गाड़ियों के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, ओके, मुझे लग रहा था कि ये प्लास्टिक है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। एंड ये जो है, ये वाला एरिया थोड़ा प्रीमियम कार्स के अंदर पियानो ब्लैक होता है, ये नॉर्मल प्लास्टिक है, लेकिन अगर आप इसको हाई क्रॉस से कंपेयर करोगे, तो मैंने हाई क्रॉस का ये वाला जो एरिया देखा था, उसमें मुझे थोड़ी ज्यादा चीप प्लास्टिक की फील नजर आई थी एज कम्पेयर टू दिस वन। प्लस इसके अंदर ना प्लास्टिक के अंदर भी वो गैप्स नहीं है जैसा कुछ गाड़ियों के अंदर होता है। स्विचेस भी ठीक है, इसके अच्छे हैं, वेल बिल्ट लग रहे हैं, ऐसी कोई टैकी फील नहीं है इसके स्विचेस में। ऊपर यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है उन्होंने यहाँ पे, एंड बीच में उन्होंने एक ब्रश सिल्वर फिनिश दे रखी है फॉर दी डोर हैंडल एज वेल एज फॉर दी डोर लॉक बटन। मतलब जैसे मैंने इसको खोल के ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो ऐसा मुझे हिलता डुलता लग नहीं रहा। बिल्ड क्वालिटी इसके प्लास्टिक पार्ट्स की अच्छी है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है वो आपको पता ही है, मेरे को मत बोलना, किया वालों को बोलना। अगर आप इसके डोर पैनल्स के अंदर स्पीकर की यूनिट्स भी अगर देखोगे, तो यहाँ पे प्लेन सिंपल स्पीकर नहीं दे रखा है इन्होंने, ये एक 3D इफेक्ट दे रखा है यहाँ पे, देख रहे हो, ऐसा जैसे गुफाओं में नहीं होता दीवारें थोड़ी ऐसी ऐसी होती है अजंता एलोरा में, वैसा एक फील दे रखा है। ये तो खैर है ही सारा पियानो ब्लैक, बट दे कुड हैव जस्ट गिवन अ नॉर्मल सिंपल मेश, बट इन्होंने एक 3D इफेक्ट दे रखा है जो कि थोड़ा अच्छा लगता है। डोर हैंडल वगैरह ये सब ठीक है। अब प्लीज यार, अगर मैं गाड़ी की तारीफ करूँ तो ये सब मत लिखना कि किया वालों ने स्पॉन्सर किया होगा, भाई अंकल की गाड़ी है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। एंड यहाँ पे डोर पॉकेट के अंदर भी एम्पल स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे एक पतली सी शेल्फ है, यहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल रख सकते हो। एंड इसमें HTX के अंदर जो सीट एडजस्टमेंट है, दिस इज मैनुअल, अपर वेरिएंट में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आती है, लेकिन मेरा तो आपको पता ही है, मेरे को तो सीट कंट्रोल मैनुअल पसंद है। क्या फटाफट आगे पीछे होती है, देखो ऑटोमेटिक में ये धीरे धीरे आगे, ओहो गाड़ी आगे हो गई क्या सीट आगे पीछे करके, कोई नहीं हैंड ब्रेक खींच लेते हैं। ये इसका इंक्लाइन है एंड ये इसकी हाइट एडजस्टमेंट है, सो दिस इज बेसिकली अ 6-way मैनुअल एडजस्टमेंट सीट। अगर मैं सीट के कुशन की बात करूं तो इट इज समवेयर इन द मिडल, ब्रेजा की तरह सॉफ्ट भी नहीं है और XUV 700 जितना स्टिफ नहीं है, इट इज समवेयर इन द मिडल एंड इट इज कंफर्टेबल। सीट के अंदर पीछे लंबर सपोर्ट भी ठीक ठाक है, हेडरेस्ट की स्टिफनेस या सॉफ्टनेस इज बिल्कुल सेम जितनी की सीट की है। यूजली सीट का जो मटेरियल होता है, कुशन होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, हेडरेस्ट थोड़ा सा हार्ड होता है कंपैरिजन में। जो साइड में जो बोल्स्टर्स हैं ये भी ठीक ठाक सपोर्टिव है, लेकिन मुझे थोड़ा लग रहा है कि कोई थोड़ा चौड़ा आदमी अगर आ गया तो उसको थोड़ा ये चुभ सकते हैं, बट फॉर अ पर्सन ऑफ माई साइज इट इज हगिंग मी रियली वेल एंड शोल्डर रूम भी ठीक ठाक है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि मेरा शोल्डर यहाँ पे टच हो रहा है। अगर मैं इस तरह से बैठूंगा तो ये पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पे लगता है ऊपर की साइड, वैसे अदरवाइज शोल्डर रूम ठीक है, लेकिन नॉर्मल अगर आप गाड़ी चलाते रहोगे तो मेरे जैसे बंदे को तो दिक्कत आएगी नहीं। बाकी बहुत लोगों के पास सेल्टोस है, जैसे जैसे हम और ओनरशिप रिव्यूज करेंगे हमें और अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है कंफर्टेबल लगे, कुछ लोगों को हो सकता है कि थोड़ा अनईजी लगे, जितना बड़ा हमारा सैम्पल स्पेस होगा उतना हमें इसके बारे में पता चलेगा। सीट की रेंज ऑफ मोशन देख लेते हैं, ये सीट इतनी पीछे जा सकती है और इससे भी ज़्यादा आगे जा सकती है। रेंज ऑफ मोशन बाकी गाड़ियों की तरह इसके अंदर भी नॉर्मल है। हेडरूम इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा है, और हेडरूम ऐसा नहीं है कि मैंने सीट नीचे करी हुई है,
ये मेरे ही हाइट के हिसाब से बिल्कुल सही है, मुझे पूरा बोनट नजर आ रहा है गाड़ी का, एंड स्टिल आई फाइंड द हेडरूम टू बी एडिक्युएट। हालांकि इसके अंदर यहाँ पे सनरूफ है, एंड सनरूफ की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे छत नीची हो जाती है। लाइट्स देखो इसकी, वाइट कलर की लाइट्स हैं, LED। ज्यादातर गाड़ियों में येलो कलर की लाइट्स होती हैं, बट ये काफी प्रीमियम लगती हैं। सनवाइजर्स देख लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर है, देर इज नो मिरर एंड देर इज नो लाइट। पैसेंजर साइड सनवाइजर के अंदर सिर्फ शीशा है, लाइट नहीं है। एक चीज जो मेरे को ज्यादा कन्वीनियंट लगती है कुछ गाड़ियों में, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैंड विटारा है और जो XUV 700 भी मैंने देखी थी, उसमें इस सनरूफ के साथ साथ ये जो पोर्शन होता है ना, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार आपको सिर्फ ये खोलना होता है और ये बंद रखना होता है, बट वो आप बटन दबाते हो तो सारा खुल जाता है। तो ये मैनुअल है, ये मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, अपना पकड़ के जितना भी खोलना है बंद करना है कर लो अपने हिसाब से। बट जिन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक सनरूफ होती है, बट इसके फंक्शन और शीशे का फंक्शन अलग होता है, मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू कि वो एक ही बटन से ये आगे पीछे होते हैं। IRVMs जो है इसके अंदर, दीज आर इलेक्ट्रोक्रोमेटिक, और यहाँ पे आपको एक क्रेन बनी हुई नजर आ रही है इनके साथ की गाड़ी खराब हो जाए। SOS बटन है, UO कनेक्ट का फीचर है। इसके बारे में पूछेंगे ओनर्स रिव्यू में ना, दैट हाउ इफेक्टिव इज इट एंड वेदर ही हैज यूज्ड इट और नॉट। गाड़ी की सीट अगर आप देखोगे तो सीट का डिजाइन देखो जरा, गाड़ी की सीट्स जो है इनका मटेरियल है लेदरेट, एंड ये परफोरेटेड सीट्स हैं, मतलब यही सेम सीट आपको हायर वेरिएंट में मिलेगी लेकिन वो वेंटिलेटेड सीट्स होती है, तो यहाँ से हवा आती है, एंड सीट्स के अंदर हनीकॉम डिजाइन दे रखा है। अच्छा, दिस इज दी HTX वेरिएंट, सो इसमें डुअल टोन इंटीरियर है, बेज एंड ब्लैक। जो अपर वेरियंट है उसके अंदर ब्राउन एंड ब्लैक इंटीरियर है, ये फर्क है इंटीरियर की कलर थीम में। बाकी वैसे आप कार में अगर बैठोगे ना तो आपको एक प्रीमियम फील तो आएगी, जैसे जो इसका स्टेयरिंग व्हील है दिस इज लेदर रैप। खैर वो इसलिए भी है क्योंकि ये HTX है, जो लोअर मोस्ट वेरिएंट होगा उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी, बट अभी हम HTX में बैठे हैं तो हम HTX की बात कर लेते हैं। तो मेरे को तो ये प्रीमियम लग रहा है। डी कट स्टेयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम है, दिस इज लेदर रैप। जो गियर नॉब है यहाँ पे भी लेदर टिप है इसकी, यहाँ पे बढ़िया ब्रश सिल्वर फिनिश दे रखी है इसकी तरह, यहाँ पे ब्रश सिल्वर फिनिश दे रखी है गियर पे। अच्छा, गियर के अंदर ये देख रहे हो, ये इस तरह का एक ग्रूव है, इसको आप ऐसे पकड़ सकते हो, ऐसे पकड़ के ऐसे प्रेस करके यू कैन चेंज दी गियर, मतलब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक अच्छा ग्रूव दे रखा है ग्रिप बनाने के लिए, तो ये मेरे को एक अच्छा फीचर लगा। स्टीयरिंग व्हील के अंदर यहाँ पे पियानो ब्लैक डिजाइन दे रखा है, ये कोई ठक 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 कर रहा है। दरवाजा बंद कर लेते हैं ताकि बाहर की आवाज अंदर ना आए, गाड़ी का इंस्पेक्शन भी चेक हो जाएगा इसी बहाने। स्टीयरिंग व्हील जो है सामने, इसके अंदर ना जो बीच में, जैसे सिर्फ स्टीयरिंग व्हील नहीं गाड़ी के अंदर भी जहाँ पे प्लास्टिक यूज किए हुए हैं, जैसे ये हो गया, जो अपर हाफ हो गया डैशबोर्ड का, यहाँ पे जो प्लास्टिक है, या फिर ये किया के अंदर जो बीच में हॉर्न वाली यूनिट है, तो एक होता है ना कि प्लास्टिक होता है बट वो एक चीपनेस सी फील होती है। इसका प्लास्टिक थोड़ा सा, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि बहुत लग्जूरियस या अप मार्केट लग रहा है, बट इट इज जेलिंग वेल विद दी ओवरऑल क्लास ऑफ दी कार, मतलब कार में थोड़ी क्लास है जब आप बैठोगे तो आपको फील होगा। जो पावर विंडोज के स्विचेस हैं ये भी इल्यूमिनेटेड है, अभी तो खैर अंधेरा नहीं है तो इसलिए पता नहीं चल रहा, बट यहाँ पे वो शीशे का निशान दे रखा है, यहाँ पे लाइट जलेगी रात को, नाइट ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, अंकल को रात तक रोकना पड़ेगा मेरे को। बीच में यहाँ पे भी जो आपको स्विचेस मिलते हैं ना कार में, जैसे ये हो गए, मतलब कोई भी स्विच आपको ना ऐसा ढीला ढाला लूज ऐसा नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे भी जैसे अगर आप स्विचेस देखोगे ना सामने सेंटर कंसोल में, तो स्विचेस ठीक है इसके, मतलब प्लास्टिक के अंदर तो इन्होंने कुछ ऐसा चीपनेस या कोई कॉस्ट कटिंग करी नहीं है। स्टोरेज स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पे दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ये सेंटर कंसोल है, इसके अंदर भी स्टोरेज स्पेस ठीक ठाक है, अच्छी है, काफी डीप है ये, एंड ये जो इस तरह से प्रोट्रूजन निकल रही है दिस इज दी एयर प्यूरिफायर। भाई ये फिक्स्ड है, आगे पीछे नहीं होता है, शायद इसलिए क्योंकि इसके अंदर नीचे एयर प्यूरिफायर है, ये एक रीजन हो सकता है। चलो मान लिया कि ये फिक्स्ड है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन में बैठूं तो क्या उससे फर्क पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि आर्मरेस्ट अगर थोड़ा सा आगे जा सकता तो मुझे थोड़ा ज्यादा एरिया मिल जाता अपनी एल्बो रखने के लिए। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना पीछे ही साइड है, मतलब ये मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन है, थोड़ा सा ऐसा आई एम एबल टू रेस्ट माय एल्बो ऑन दिस, लेकिन अगर ये थोड़ा एक्सटेंडेबल होता तो शायद ज्यादा कंफर्टेबल होता। बाकी ठीक है, ओवरऑल कंफर्ट लेवल इज फाइन। एक मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो पोर्शन है, जो दूसरा आर्मरेस्ट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अगर ब्रॉड होता तो ज्यादा बेटर रहता है, ये मुझे थोड़ा ज्यादा नैरो लग रहा है। चलो कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करते हैं। सो यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है USB-A Type, यहाँ पे USB कनेक्टिविटी का पोर्ट मिल जाता है, दिस इज ऑल्सो USB-A Type, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा,
का। यहाँ पे आपको इसके एसी के फंक्शंस मिल जाएंगे, ये क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शंस मिल जाएंगे। दिस इज अ ह्यूज 10.25 इंचेस टच स्क्रीन। यहाँ पे सामने आपको एनालॉग डायल्स मिल जाएंगे एंड जो इसका एमआईडी है, जो टॉप वेरियंट है उसके अंदर वो 7 इंच का कलर डिस्प्ले होता है, जो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है। इस कार में ना सब कुछ ठीक है, बस एक चीज मुझे थोड़ी, मैं ये तो नहीं कहूंगा खराब लग रही है, थोड़ी डिस्ट्रैक्टिंग सी लग रही है, समथिंग दैट डज नॉट रियली जेल वेल विद द क्लास ऑफ द कार। ये जैसे पुराने जमाने के टीवी नहीं हुआ करते थे कि उसके आसपास जो बेजल्स होते थे बड़े थिक से होते थे, ये वैसा लग रहा है। ये इतना थिक सा बेजल जो इस तरह से निकल रहा है ना, इस तरह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये आफ्टर मार्केट फिटमेंट हो। जैसे ह्यूंडई क्रेटा है, जो उसकी स्क्रीन है वो डैशबोर्ड के अंदर इंटीग्रेटेड है, वो ज्यादा फिनिश्ड लगती है। जैसे ह्यूंडई वेन्यू है, उसके अंदर भी जो स्क्रीन है वो ऐसा लगता है कि एक छोटा सा टैब रखा हुआ है, वो ज्यादा प्रीमियम लगता है। ये थोड़ा इस तरह से निकाल के ऐसा अलग से लगा रखा है, इतना मोटा सा प्लास्टिक है इसके चारों तरफ, ये मुझे ये उतना पसंद नहीं आता। बाकी रेस्ट ऑफ द कार इज ग्रेट। अच्छा, स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आर्कमी साउंड सिस्टम आता है विद 6 स्पीकर्स। जैसे ये डोर के अंदर स्पीकर और ट्वीटर थे ना, वैसे ही दूसरे दरवाजे में भी स्पीकर एंड ट्वीटर है, और रेयर डोर्स के अंदर ट्वीटर नहीं है, रेयर डोर्स के अंदर आपको सिर्फ स्पीकर मिलेंगे। लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट में जाओगे तो उसमें आपको बोस का 8 स्पीकर सिस्टम मिलेगा। स्टोरेज स्पेस की बात करते हुए एक चीज रह गई, इसका ग्लव बॉक्स। तो थोड़ा सामान रखा हुआ है यहाँ पे, मैं छेड़ना नहीं चाहूंगा, बट अदरवाइज ग्लोव बॉक्स अगर आप देखोगे तो इसका साइज मीडियम है, ना ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है। बाकी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया हुआ है, इस तरफ अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, और एसी लूवर्स के अंदर भी देखो यहाँ पे जो ब्रश्ड सिल्वर फिनिश है एसी लूवर के चारों तरफ इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, देन यहाँ पे इस तरह से दे रखी है, यहाँ तक इस एसी लूवर के अंदर भी दे रखी है। अंदर जो इसके डायल्स हैं स्पीडोमीटर के और टैकोमीटर के, उन डायल्स का सर्कमफेरेंस भी ब्रश सिल्वर में है। लेग रूम इसका ठीक ठाक है, नी रूम ठीक ठाक है। मुझे एक चीज जो बहुत पसंद आई इस सीट की वो है इसका अंडर थाई सपोर्ट। अब मैं अंडर थाई सपोर्ट आपको समझाऊंगा नहीं, आप खुद देखो आप। मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसे करके बैठा हुआ हूं, मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ हूं, मैं जिस पोजीशन में गाड़ी चलाऊंगा मैं उस पोजीशन में बैठा हुआ हूं, एंड जस्ट लुक एट दिस, अंडर थाई सपोर्ट लिटरली यहां तक आ रहा है। सो सीट्स सिर्फ कमर से ही नहीं, थाई से भी काफी सपोर्टिव है, तो दी सीट्स आर रियली गुड। और मैं हमेशा जब गाड़ी में बैठता हूँ ना, तो थोड़ा लेदर इधर उधर हो, प्लास्टिक इधर उधर हो, चलेगा, लेकिन सीट अच्छी होनी चाहिए, गियर शिफ्ट जो है वो थोड़ा स्लिक होना चाहिए, स्टेयरिंग लाइट होना चाहिए, मेरे लिए ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। मुझे ज्यादा दिखावेबाजी करके नहीं जाना, मैं मतलब किसको इंप्रेस करूंगा यार, मैं अच्छा कंटेंट दूंगा तो आप लोग वैसे ही इंप्रेस हो जाओगे। गाड़ी में क्रोम ठूस के या अलॉय व्हील्स लगा के कौन इंप्रेस होता है, अगर होते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, सो अंडर थाई सपोर्ट मुझे इसका काफी अच्छा लग रहा है। और एक चीज और, अगर मैं इसके अर्गोनॉमिक्स की बात करूं, तो अगर आपको याद हो तो कुछ गाड़ियों के अंदर जब मैं बैठता हूं तो मेरी एक शिकायत होती है कि मैं अगर इसके फुटरेस्ट पे पैर रखूं तो मेरा ये नी ठीक रहता है, लेकिन अगर मैं फुटरेस्ट से पैर पीछे करके ऐसे रखूं और ऐसे बैठूं तो कुछ गाड़ियों में ये पोर्शन होता है जो नी पे लगता है। अब ये देखो, मैं ऐसे करके बैठा हूं, एंड एक अच्छी चीज इन्होंने मालूम है क्या करी है, इसका ये जो सेंट्रल टनल है ना, यहाँ पे इन्होंने एक इस तरह का वो दे रखा है, ब्रश सिल्वर के अंदर एक पिलर सा दे रखा है यहाँ पे, लेकिन इस तरफ नहीं दे रखा। सो आप इस तरह से आराम से बैठ सकते हो, फुटरेस्ट पे नहीं पैर रखना, इस तरह से बैठना और आपका नी यहाँ पे लगेगा नहीं। ये काफी गाड़ियों में दिक्कत है कि नी यहाँ पे टच होता है, लेकिन इस कार में वो दिक्कत नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि इस गाड़ी का साइज छोटा है तो ये थोड़ी क्रैम्प्ड लगती है, मुझे तो ये गाड़ी भी काफी स्पेशियस लग रही है, आई हैव नो कंप्लेंट्स। चलो अभी स्टीयरिंग के ऊपर थोड़े से कंट्रोल्स हैं वो दिखा देते हैं आप लोगों को। दिस इज दी हेडलैम्प स्टॉक, दिस इज दी वाइपर स्टॉक। यहाँ पे रियर वाइपर के फंक्शन मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक वाइपर जिसमें नहीं आते वो अपर वेरियंट में आते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं। इस कार के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, एमआईडी कंट्रोल करने के फंक्शंस मिल जाएंगे, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के फंक्शंस मिल जाएंगे। एक सेकंड भाई, इससे मिल लो बेचारे से, ये फिर बुरा मान जाता है। लो भाई, ओके चलो चलो ठीक है। लाइक करेगा वीडियो को? हाँ कह रहा है हाँ। सब्सक्राइब करेगा? देखो हाँ, गुड बॉय, थैंक यू व्यूअर्स को कन्विंस करने के लिए। हाँ, पीछे बैठ के भी दिखाऊंगा मैं लोगों को। फिलहाल मैंने फ्रंट सीट अपनी साइज के हिसाब से और अपने कम्फर्ट के हिसाब से इंक्लाइन रिक्लाइन और आगे पीछे कर रखी है। अब मैं पीछे बैठ के दिखाता हूँ कि कितनी जगह है। भाई पीछे स्पेस तो ठीक ठाक है, इस गाड़ी के अंदर आपको रियर सनशेड मिल जाते हैं। एनीवे, सो स्पेस तो इसके अंदर ठीक ठाक है, हेडरूम इज सफिशिएंट, शोल्डर रूम इज सफिशिएंट, अंडर थाई सपोर्ट फ्रंट सीट के मुकाबले काफी कम है, थोड़ा और होना चाहिए था। मतलब गाड़ी चलाने वाला कंफर्टेबल है, ड्राइवर कंफर्टेबल रहेगा, पीछे जो साहब बैठे हैं साहब को थोड़ी दिक्कत आएगी। चलो कोई बात नहीं भाई, कोरिया के अंदर साहब ऐसे ही होते हैं। अदरवाइज नी रूम ठीक ठाक है, सीट भी इसकी रिक्लाइन हो जाती है, एंड आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। एंड द बेस्ट पार्ट कि ग्रैंड विटारा के अंदर भी सीट रिक्लाइनेबल है, लेकिन ग्रैंड विटारा में हाईराइडर में बैठ के मुझे फिर भी काफी अपराइट सा फील होता है, लेकिन इसमें बैठ के मुझे इसका
रिक्लाइन एंगल काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सेडान में बैठा हुआ हूँ, जैसे होंडा सिटी है ना, उसका भी रिक्लाइन एंगल अच्छा है। सीट तो इसकी अंडर थाई सपोर्ट को छोड़ के वैसे कंफर्टेबल है। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि जो इसका ये सेंट्रल टनल है, ये ज्यादा उठा हुआ नहीं है। ये ना बिल्कुल 100% फ्लैट तो नहीं है और हो भी नहीं सकता, थोड़ी सी जरूरत होती है इसको उठाने की। मैंने वैसे समझा रखा है कि इसको उठाने की क्या जरूरत है, उसकी रीजनिंग आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, जाके देख लेना। और वो लाइक सब्सक्राइब वगैरह वो सब तो आपको पता ही है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सीट के अंदर फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स मिल जाएंगे फॉर दी ड्राइवर एज वेल एज फॉर दी पैसेंजर। और बेस्ट पार्ट ये है कि पैसेंजर सीट बैक पॉकेट्स टू लेवल्स की हैं, यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ पे तो थोड़ी कम है स्पेस, इतना ही है बस, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, बट एटलीस्ट दो लेवल दे रखे हैं। बाकी आपको रेयर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, ये तो लोअर मोस्ट वेरिएंट के अंदर भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको मोबाइल रखने की थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोग यहाँ मोबाइल नहीं रखते होंगे अपना, वो रखते होंगे यहाँ सीट पे। साथ में आपको मिल जाएगा यूएसबी टाइप ए का चार्जर एंड ये है आपका स्मार्ट एयर प्यूरिफायर। स्टोरेज स्पेस की अगर मैं बात करूँ दरवाजे में, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी जगह मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल रख सकते हो। बाकी दरवाजे की फिट एंड फिनिश तो वैसी ही है जैसी फ्रंट सीट की थी। एक चीज और, इस कार के अंदर जो सीट बेल्ट है ये हाइट एडजस्टेबल है, यहाँ पे भी इन्होंने व्हाइट कलर की एलईडी लाइट भी रखी है। और ओवरऑल कार के अंदर केबिन के अंदर बैठ के एक अच्छी प्रीमियम फील आती है। रही बात सीट विड्थ की, तो कई बार कार कंपनीज क्लेम करती हैं दैट दी कार इज अ 5 सीटर, बट प्रैक्टिकली वो सिर्फ 4 सीटर होती हैं। जैसे हाईलाइटर ग्रैंड विटारा के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि रियर बेंच में अगर 3 लोग बैठेंगे तो वो थोड़े से क्रैम्प्ड फील करेंगे, लेकिन इसके अंदर 5 लोग बैठ सकते हैं। जो ये बैठने वाला पोर्शन है ना, ये तो फिर भी थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है। लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव्स के लिए मैं तो कहूंगा कि 4 सीटर ही मान के चलो। बीच में एक्चुअली यहाँ पे आर्मरेस्ट है, सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज अ लिटिल स्टिफ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्टिफ है। मेरे को लग ही रहा था ये दिक्कत होगी। आर्मरेस्ट जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो मेरा लेफ्ट वाला हाथ थोड़ा ऊपर है एंड राइट वाला हैंड जो है थोड़ा नीचे है, ऐसा डिस्कम्फर्ट तो मुझे नहीं फील हो रहा। साथ ही साथ इसके अंदर 2 कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे आपको आर्मरेस्ट में। एक चीज अच्छी मेरे को ये लगी कि यहाँ पे बीच में अगर कोई बैठता है ना, तो जैसे मैंने बलेनो में बैठ के दिखाया था, अब प्लीज ये मत कहना कि बलेनो को इससे कंपेयर मत करो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एक रिलेटिव आइडिया दे रहा हूँ। अब मैं किसी ना किसी चीज के साथ तो कंपेयर करूँ ना, सो दैट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो यहाँ पे बैठ के ना आपको वो फील नहीं होगा कि एक पतली सी स्ट्रिप है जिसने थोड़ा सा उठा रखा और बाकी आपका कुछ पोर्शन है जो थोड़ा रह गया और बीच में वो थोड़ा सा एक आपको चुभता है जो सीट का पोर्शन, वो फील नहीं हो रहा। The width is fine. The only problem is the backrest. ये वाली सीट बिल्कुल ऐसी है जैसी वो थी। ओह, अब तो मैं सीधा गाड़ी से बाहर आ गया। चलो भाई, with this we complete the interior walk around नहीं रहे, the interior review of the car. Bye. Subscribe कर दिया ना?